बिल्कुल, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती है। बीजेपी ने कहा था जब यहाँ पर आएंगे 7 एम्स बनाएंगे, तो हेल्थ सेक्टर में कहाँ पे काम हुआ। दूसरा, बीइंग सीएम वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि कठमुल्ला या गर्मी निकाल दूंगा, वो इस तरह से सूट नहीं करता है। उनको मुद्दे पे बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। सुरक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के लिए पेंशन के मुद्दे कहाँ गए बीजेपी सरकार के लिए? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ये बात क्यों होती है? पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पर घूम रहा है, मुद्दे कहाँ है? असल सर, उनके वजह से तो भला मंदिर बना अभी तक क्यों नहीं फैसला हो रहा था, और फिर बीजेपी आई थी, बीजेपी धक्का मुक्की मत करिए, आएगी सर, और बीजेपी थी, बीजेपी आएगी। और साइकिल क्यों डर रही है बुलडोजर से? अच्छा, क्यों डर रही है? साइकिल डर रही है बुलडोजर से, वो कह रहे हैं कि साइकिल वाले डरे हुए हैं बुलडोजर से। सवाल मेरा दूसरा है, सवाल मैं आप पूछता हूं आपसे ये, चलिए ये सब बातें जो कही गई, राशन वाला जो फैसला आप लोगों ने किया है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, आज अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि आप लोग तो राशन दे रहे हैं, वो सत्ता में आ गए तो घी और तेल भी देंगे। जो अपनी सत्ता में रहते हुए 40 लाख फर्जी राशन कार्ड पर करीना कपूर, कटरीना कैफ के नाम पर अनाज लेते थे, वो आज गरीबों को राशन देने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने समाजवादी पेंशन के नाम पर घोटाला किया, जिन्होंने 15 लाख लैपटॉप खरीदे, 6 लाख बांटे और 9 लाख के पैसे खा गए, वो आज जनता को बात करने की बात कर रहे हैं। एक चीज सुन लीजिए, मैं ये सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ये चुनाव कुनबा बचाने के लिए लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी यह चुनाव अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी यह चुनाव सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही है, बीजेपी भी तो सरकार बचाने के लिए लड़ रही है, AIMIM यह चुनाव आग लगाने के लिए लड़ रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ठीक है, राशन वाला जो सवाल था उस पर आइए जरा। आपके नेता ने कहा कि वो तो सिर्फ राशन देने की बात कर रहे हैं ना, हम लोग तो सरसों तेल भी देंगे, घी भी देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो एक्ट्रेस के नाम पे घोटाला कर दिया आप लोगों ने। मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, जब चुनाव जब आज पास आता है तो राशन और सब कुछ बांटने काम करती है, और क्या जब चुनाव में 2000 जब सरकार बनाए, जब ये सरकार बनाए तो इनकी महंगाई आपने देखा किस तरह तेल पे लूटा, किस तरह दाल पे लूटा, और तमाम सारी चीजें इन्होंने महंगी कर दी। और मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे इनकी सरकार बनी 200 रुपया डीजल और 200 पेट्रोल बेचेंगे, ये लीजिए डीजल पेट्रोल का डर दिखा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कई लोगों ने कहा विकास, मैं दावे के साथ कहता हूं समाजवादी पार्टी के लोग आंकड़ों के साथ, एक एक मिनट का टाइम रख लीजिए, अगर ये विकास पर बात करके दिखा दे मैं डिबेट छोड़ दूंगा। चलिए बोलिए, आप अपना मैनोफेस्टो पे बात करिए, 2017 में जो मैनोफेस्टो था 70 लाख नौकरियां देने का वादा था, आप बताइए कितनी नौकरियां आपने बांटी है, बताइए 70 लाख में कितनी नौकरियां दी? दरअसल समाजवादी पार्टी को रोजगार और नौकरी में फर्क नहीं समझ में आता है, इनको पढ़ने लिखने चाहिए। हमने 70 लाख रोजगार की बात की थी, 5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा पे नौकरी और 2.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार, तो रोजगार इतना मिला क्या? जिस तरह पूरे प्रदेश में बेरोजगार लाठी खा रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जितने निजीकरण कर दिया आपने, रेलवे बेच दिया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया, हो गया। अरे आप पब्लिक को भी बोलने दीजिए, EMI का डेटा है, इनके समय में बेरोजगारी दर 17.1% थी, 4.8% है, इनके समय में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दूसरे नंबर पर है। ABP News आपको रखे आगे।